सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कभी भी अगर आप यार बाइक परचेज करने जाते हो, अप्रोक्स आपका अगर बजट 2 लाख प्लस है, अगर हम करिश्मा XMR की बात की जाए तो बहुत ही यार डिफरेंट है। और इसमें सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर आउट में आपको एक चीज़ कर दूं, डियो SC क्लास का इसका इंजन है। पास्ट वर्जन करिश्मा सेगमेंट की जितनी भी बाइकें लॉन्च हुई थी उन सबसे हट के है। 210 cc के साथ हीरो ने इसमें यार बहुत ही एक प्रीमियम फिनिश के साथ एक A1 क्लास की बाइक बना दी है। ये देखो फ्रंट साइड से इसका जो एक लुकिंग, तो लुकिंग अगर बाइक में नहीं है तो यार वो बाइक चलाने का मज़ा नहीं आता है। इसमें साइड की जो फेयरिंग है आपको देखने में लगेगा R1 सीरीज टाइप का, लेकिन R1 सीरीज से थोड़ा हट के है, स्लिम सा है। R1 में क्या है, R1 सीरीज की जो बाइक है उसमें थोड़ी बल्की सी रहती है, लेकिन इसमें आपको स्लिम सा साइड फेयरिंग मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डुअल कीज सेटअप आपको मिलेगी, और कीज आप देखोगे ये डिफरेंट है। की हम इंसर्ट करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें एडवांटेजेस एड ऑन है। इसकी जो आप मीटर देखोगे, फुली डिजिटल मीटर आपको इसमें मिल जाता है। और मीटर का साइज एक कॉम्पैक्ट साइज में है, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज में हम इसको बोल सकते हैं। साइड की तरफ आपको मैं दिखा दूं, न्यूट्रल का सिंबल, साइड स्टैंड का सिंबल आपको मिलेगा, इंजन चेकआउट और बाकी गियर शिफ्टिंग वगैरह का। और मीटर के राइट साइड में ABS का पॉपअप, फ्यूल इकोनॉमिक का सिंबल, अपर डीपर टर्निंग सिग्नल्स का सिंबल, ये सारे पॉपअप आपको मीटर में साइड की तरफ दिखने वाली है। मिड पॉइंट पे RPM आपको शो होकर के आएगा, यहाँ पर आपको इसका स्पीडोमीटर शो होकर के आएगा, और नीचे की तरफ आप देखोगे डेट दिखाता है इसमें, और ऊपर की तरफ किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब जितने किलोमीटर ये व्हीकल अभी रन की है वो डिस्टेंस आपको दिखाएगा। बीच में RPM की बैचिंग है, नेविगेशन का सपोर्ट है इस मीटर में, गियर सेटअप का सिंबल ऊपर की तरफ दिखेगा। जैसे मैं एक गियर लगाता हूँ, एक गियर लगाया तो यहाँ पे आप देखोगे 1 लिख करके आ गया है। तो इस तरह से गियर वगैरह इंडिकेट होता है मीटर के अंदर ही। और मीटर में एक और एनिमेशन आप देखोगे, जैसे ही ऑन करोगे तो राइड योर लीजेंड, कुछ इस तरह से इसका मीटर का एनिमेशन सेटअप है। मीटर को एडजस्ट करने के लिए आपको हैंडल बार में यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा, मीटर M लिखा है इसके ऊपर, मीटर बटन मिल जाएगा। एक बार इसको मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर अभी आप देखोगे ये एवरेज स्पीड आपको दिखा रहा है इसमें। एक बार और जैसे मैं इसको टैप करता हूँ, अब आप देखोगे एवरेज किलोमीटर रेंज वगैरह दिखाएगा। एक बार और मैं टैप करता हूँ तो नेविगेशन इसका दिखाएगा, यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हो नेविगेशन। एक बार और इसको यहीं से आप चेंज कर सकते हो, इसका मीटर का डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो, सर्विस कितने किलोमीटर पर होगी, बैटरी वगैरह का, वोल्टेज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसमें शो होकर के आने वाली है। तो ये है कुछ इसका मीटर का कॉन्सेप्ट। अब एक स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें गाइस, तो आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़ बढ़िया इसमें ऐड ऑन किया गया है, ये जो आप देख रहे हो विंड स्क्रीन, यहाँ से आपको एक मिलता है वाइजर बटन, इसको अगर आप प्रेस करके विंड स्क्रीन को ऊपर नीचे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो इस व्हीकल को। यहाँ से सेल्फ स्टार्ट ये बाइक आती है, एक बार स्टार्ट करते हैं। और इसका जो हेडलाइट है, हेडलाइट में साइड में आपको DRL का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों साइड आप देखोगे DRL वगैरह है। इसका जो फ्रंट साइड में हेडलाइट है, इसमें आपको फुली LED हेडलाइट आपको देखने को मिलेगा, फोकस लाइट बढ़िया है इसमें, फोकस लाइट आपको तगड़ा मिलने वाला है, नाइट में आपको इसका अंदाज़ा लगेगा। अब उसके बाद बटन में यहाँ पर आपको अपर डिपर इसका मिल जाता है, यहाँ पर मीटर सेट करने का बटन मिल जाएगा, उसी के साथ टर्निंग सिग्नल्स एक बार ऑन करते हैं, और इसका जो टर्निंग सिग्नल्स है फुली LED में आपको इसका टर्निंग सिग्नल्स मिलता है, ये भी अच्छी चीज़ है। टर्निंग सिग्नल्स में आपको ये भी मिल जाएगा, हेजार्ड लाइट एक साथ अगर आप जलाना चाहते हो इस बटन को आप प्रेस करिए, फ्रंट साइड का हेजार्ड लाइट और रियर साइड का हेजार्ड लाइट, चारों इंडिकेटर एक साथ आप जला सकते हो ईजिली, अलग से आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी चीज़ बढ़िया है। राइट साइड में हेजार्ड लाइट बटन, स्टार्ट बटन आपको मिल जाएगा। तो टायर सेटअप में आप देखोगे बाइब्री का कैलिपर आपको मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट है, ABS आपको इसमें मिल जाएगा, और ये व्हीकल डुअल चैनल ABS पर आती है, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है।
ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाएगा, 180 17 सेक्शन का फ्रंट साइड में इसमें टायर आपको मिल जाता है, MRF का एलॉयज वगैरह अटैच है, डिस्क डायमीटर 45 mm थिक आपको इसमें मिल जाता है, अच्छा खासा आपको इसमें वाइड भी देखने को मिलेगा, तो ऑफ रोड राइडिंग में आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। तो ये सब एडवांटेजेस है, मडगार्ड आपको डुअल टोन पर आपको मिलता है, और इसका कलर जो देखोगे पर्सनली गाइस कलर मुझे बहुत पसंद आया, रिफ्लेक्टर वगैरह सस्पेंशन पर अटैच है, रियर साइड में भी आपको MRF का टायर आपको मिल जाता है एलॉयज के साथ, 140 सेक्शन का एकदम वाइड टायर आपको मिल जाएगा, तो मतलब ऑफ रोड राइडिंग में ग्रिपिंग भी आपको अच्छे मिलेंगे, कट्स भी टायर के अच्छे हैं, MRF का है यार तो ट्रस्ट तो बनता है, एलॉयज अटैच है, ABS और डिस्क का सपोर्ट आपको मिल जाता है, बाकी स्विंग आर्म वगैरह मेटालिक फिनिश पर आपको रियर साइड में मिल जाएगा, और इसका एग्जॉस्ट की बात करें साइड में आपको एग्जॉस्ट पाइप आपको इसका बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज में मिलता है, इसकी जो फेंडर है टेल में अटैच है, 210 cc के साथ ये बाइक आती है, तो एक बार इसका हम एग्जॉस्ट साउंड टेस्ट करते हैं, तो एग्जॉस्ट साउंड से तो मालूम पड़ता है इंजन कितना पावरफुल है, नीचे से आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरनेस आपको इसमें मिल जाता है, BS6 2.0 के साथ ये व्हीकल आती है, इंजन डिप्लेसमेंट 210 cc 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको मस्त परफॉर्मेंस आपको देने वाली है, हीरो XMR में 4 वाल्व के साथ 4 स्ट्रोक के साथ सिंगल सिलेंडर के साथ आपको लिक्विड कूल्ड DOHC क्लास का 210 cc के साथ आपको इसका इंजन देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम पावर की बात करें तो 25.5 PS एंड 9250 इसका RPM जनरेट करता है, पावर की बात करें तो R15 से डेफिनेटली ज़्यादा है, फ्यूल में आपको E20 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और इस व्हीकल की बॉडी और ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसकी साइड फेयरिंग जो देख रहे हो आपको फाइबर फिनिश के साथ मिल जाएगी, और इसके ऊपर यहाँ पे बड़ा सा आपको XMR का स्टिकर आपको मिल जाएगा, हीरो की स्टिकर यहाँ पर मिल जाएगी, मडगार्ड के ऊपर डुअल चैनल ABS का स्टिकर आपको मिल जाएगा, फ्रंट साइड में सस्पेंशन टेलीस्कोपिक का बढ़िया क्वालिटी का आपको सस्पेंशन फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा, और रियर साइड में आपको मोनोक्रॉस का 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको रियर साइड में XMR में आपको मिल जाता है, ये दोनों एडवांटेजेस अच्छी है, और 11 लीटर का बिग फ्यूल टैंक का सपोर्ट भी आपको इस व्हीकल में देखने को मिलता है, इसकी जो वेट है 163 kg इसकी टोटल वेट है, फुली LED आपको डिफरेंट स्टाइल में इसका टेल लाइट आपको देखने को मिलता है, पिलियंस को भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, स्प्लिट मोड में सीट है, यहाँ से सीट का लॉक बटन है, ये पार्ट इसका अलग हो जाता है, पिलियन सीट यहाँ से खुलेगा, और साइड में पिलियंस को सपोर्ट करने के लिए ग्रैब रेल आपको मिल जाती है, बाकी बॉडी इसकी पूरी आप देखोगे रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन पे ये व्हीकल आती है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की विंड स्क्रीन मिल जाती है, और इसमें आपको फ्रंट साइड में हैंडल बार में आपको USB चार्जिंग पॉट का सपोर्ट आपको मिल जाता है, अल्टरनेट आप इसको यूज़ कर सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है माइलेज की, 41 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल का सपोर्ट कंपनी माइलेज कमिटमेंट कर देती है, सुपर हीरो लखनऊ पे इसकी जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है 212,000 रुपये इसकी ऑन रोड शोरूम प्राइस है, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हीरो की किसी भी बाइक के रिगार्डिंग कंसर्न कर सकते हो, सो ये थी आज की अपडेट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ राइड गाइस।